एक बहुत प्यारी धुनाई सुनिए। हेलो, अरे सपने में मैं तेरा दीदार करता हूँ, क्योंकि हम छोटे हैं। आप समझ रहे होंगे हम पड़ोसी हैं, बगल वाले। सुनिए, एक बार की बात है, भगवान राम लंका में शंकर बन के गए। जब लंका में शंकर बन के गए तो रावण ने जैसे ही देखा तो समझ गया कि आप राम हैं, तो क्या कहने लगा सुनिए। क्या नारी बिस बुझी कतारी हो, नारी बिस बुझी कतारी ना नारी ने है करना। एक एक बात को सुनना। नारी बिस बुझी कतारी ना नारी ने है करना, जो नारी में है लगाते देना तो उन्हें मरना। पर नारी में है लगाते, जो पर नारी को ने लगाते हैं यानी प्रेम करते हैं, पर नारी ने है लगाते देना तो उन्हें मरना। रावण कहने लगा मुझे सब मालूम है, मैं ऐसा नहीं, मैं जानता नहीं, मालूम है क्यों? हम ना नारी के चक्कर, हम किसी नारी बार के चक्कर में थोड़ी नहीं रहते, हम तो पीले कपड़ा वाले हैं। हम ना नारी के चक्कर तुम बना रहे हो मक्कर, तुम छुपके आए हो शंकर का रूप धारण करके। अरे हम ना नारी के चक्कर, अगर हम नारी के चक्कर में होते तो हमने सीता को अभी तक छुआ नहीं है। जब से लंका में रखा है, अशोक वाटिका में रखा है, मैंने छुआ नहीं। हम ना नारी के चक्कर तुम बना रहे हो मक्कर, मैं तुमसे कुछ ना कहूंगा, मैं तुमसे कुछ न कहूंगा, पूछूंगा ले गुण सक्कर, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अतिथि देवो भव, तुम मेरे अतिथि हो, मैं तुमसे कुछ न कहूंगा, पूजूंगा कुड़ले सक्कर, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है, क्या मालूम है, ये पता है मुझको कसम है तुम रूबारे की, लाया फिर भी बदबारे की, सुनिए, हर लाया फिर भी पद्म पद्म पद वाले की मामला है। और ये 201 रुपए का मूल आशीर्वाद हमारे भैया की तरफ से आए हैं। 35वां शानदार जवाबी कीर्तन, दिनांक 2 अक्टूबर दिन बुधवार 2019, कार्यक्रम स्थल ओम धर्म कांटा नादरगंज अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ, पार्टी श्रीमती कल्पना दुबे जी मध्य प्रदेश, पार्टी दूसरी है, तलाश जारी है, आयोजक देशराज सैनी और राजू यादव, गिंदन खेड़ा और पप्पू शर्मा जी, राकेश वर्मा जी सौजन्य से ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक एक बात को सुनना। अरे मुझे मालूम कसम है मुझको डमरू बाले की, अरे हर लाया फिर भी पद्म पद्म पद बाले की,
कहते हैं, जान गई होंगी बुआ जी, हर लाया फिर भी पद्मा, पद्म किसके पैरों में है, भगवान विष्णु के। हर लाया फिर भी पद्मा, पद्म पदवारे की विशेषता है, पद्मा आगे पद्म फिर पद, पहले डंडा हटा फिर माँ हट गया, अब इनको माँ हटाना है, जब माँ मैंने हटा दिया इनको सिर्फ पाल आना है, दा को हटाना है, दा को। हर लाया फिर भी पद्मा, पद्म पदवारे की भोले बाबा की। और कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, आ रही हैं बुआ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम लेकर के और बहुत सुंदर रात भर आप कार्यक्रम देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से मैं पद्मा शर्मा आप सभी का स्वागत कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। इतनी सारी बातें हैं आज के हमारे साथी कलाकार की तरफ से कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किन किन बातों का जवाब दूँ, और जवाब देना भी जरूरी है। हिसाब पूरा होगा, हिसाब पूरा होगा, इंसाफ पूरा होगा। फिर आपने कहा कि मैं आपका नाम नहीं ले सकता, शर्म आती है, तो मैं आपको बुआ कहूंगा, क्योंकि जब कहीं कोई काम है तो व्यवहार बनाना पड़ता है, आओ का ताकि सुबह तक का काम आसानी से निपट जाए। अच्छा, तो व्यवहार बनाने के लिए बुआ बनाना है, ये किस डॉक्टर ने बताया? बिना फीस। अरे आप कोई बहुत दूध पीते बच्चे नहीं है, आप 24-25 साल के जवान हैं। आओ का, और हम आपसे बड़े हैं, तो हम आपकी बहन जी भी हो सकते हैं, लेकिन ये बुआ जी वाला सिस्टम हमको नहीं समझ में आया ना। उसका रीजन है, कुछ आप लिख के लाए होंगे जिसमें बुआ हुआ का प्रयोग होगा, तो पद्मा शर्मा जी को फिर शिकार कैसे बनाया जाए, तो भूमिका पहले ही से बांध लो, हथियार कैसे चलाया जाए, तो हमको ये बुआ जी वाला रिश्ता स्वीकार नहीं, मुझे क्षमा करें, वापस रखो इसको, मंच के ऊपर कोई रिश्ता नहीं। कहने के लिए आप पद्मा जी कह सकते हैं, आप बहन जी कह सकते हैं, आप दीदी कह सकते हैं, बुआ जी हमें स्वीकार नहीं, बस यही तीन ऑप्शन है। चलिए, कितनी बातें हैं। बुआ जी ध्यान देना, बुआ जी ध्यान देना, बुआ जी को ध्यान रहता है, क्योंकि उनको मालूम है वो ध्यान देने ही आई हैं। इससे थोड़ी 25, लेकिन ये जो पब्लिक है आप उसका ध्यान दीजिए, अगर ये मैदान खाली हुआ तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। आओ का सुबेरे पैसा काटे के दिया जाएगा। मुझे मतलब मैं देखिए बातें बड़ी गंभीर करूंगी, लेकिन हंसते हुए माहौल में करूंगी, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, क्योंकि जवाबी का मंच है, कुछ छोड़ दो तो भी नहीं अच्छा। आओ का सुबेरे तक हम सबका 100-100 ग्राम खून बढ़ा के जाएंगे। एक तर्ज आई है, कौन सी? सपने में मैं तेरा दीदार करती हूँ, शर्मा जी और हमारे जितने भी साथी हैं जो लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का स्वागत कर रही हूँ। एक मैसेज डाला था और उससे आप लखनऊ से चलकर यहाँ आए, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। सपने में मैं तेरा दीदार करती हूँ, जान से ज्यादा
साधु मंत्र भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटका टोना टोटका टोना टोटका पल 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 छू। नया मसाला दिया हमने आपको, बुआ जी से बाहर निकलिए और जादू मंत्र को काटिए। नारी को नारद जी ने देखा तो देखकर कहने लगे, क्या अद्भुत है ये सतधारी। जिसको कीर्तन गाना होगा, जो वाकई में दिल से गाना चाहेगा, उसके लिए एक महीना बहुत है और बाकी अनुभव तो मंच पर अपने आप आते जाते हैं। अद्भुत है ये सतधारी है सतवंती नारी, है राम नाम उरधारे ये नारी सब पे भारी। आपने जो कटपीस गाया उसमें आपने नारी को निगेटिव रूप में दिखाया, क्योंकि आपकी पंक्ति कह रही थी कि नारी विष बुझी कटारी, ना नारी नेह है करना। अगर नारी इतनी खराब लगती है तो कभी शादी न करना, और पहले से हो गई हो तो बात ही खत्म है। मोती चूर के लड्डू मत खाना। और अगर नारी विष बुझी कटारी होती तो आप पैदा होकर यहाँ आज गाना न गा रहे होते। पिताजी से अपने पूछे इस बारे में उनका क्या ख्याल है। नारी निंदा ना करो, नारी ने की खान, और नारी से ही होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। अद्भुत है ये सतधारी है सतवंती नारी, है राम नाम उरधारे ये नारी सब पे भारी। मन इसका है आभारी, ना इसके उरलाचारी, रक्षा करते चक्रधारी ये नारी सब पे भारी। अब आगे की दो लाइनों में आपके प्रयोग का जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसकी भक्ति मेरे मन को सुन भाती है। कैसे? नारी का नाम था शर्मा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी भक्ति मेरे मन को सुन भाती है, देखो करके शर्मा शर्म रम जाती है।
शर्मा एक मात्रा हटी तो शब्द आया शर्म, फिर उसमें से एक शब्द और हटाया तो शब्द बना रम। तो कहना पड़ा इसकी भक्ति मेरे मन को सुनो भाती है, अरे देखो करके शर्म शर्म रम जाती है। आप बताओ कैसी तबीयत और 51 रुपयों का आशीर्वाद श्री अजय कुमार जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए आपके कट पीस का जवाब, बिना समय को खाए हुए एक कह रहे पर नारी, पर नारी परम प्रिय, पर नारी परम प्रिय सदा लगाओ अंग, और भागीरथ के पुरखे तर गए पर नारी के संग। पर नारी परम प्रिय कभी न लगाओ अंग, रावण के दस शीश कट गए पर नारी के संग।